हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं ज्योति और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। ओके, सो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज दी नाइट्रोजन कंपाउंड, जो कि कार्बन कंपाउंड्स हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है। तो लेट्स बिगिन टू दिस टॉपिक, दैट इज दी डाइजोनियम सॉल्ट। सो डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट जो है दैट इज अ टॉपिक ऑफ आर क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13, डाइजोनियम सॉल्ट। इसका जो बेसिक फॉर्मूला है दैट इज हम एरोमेटिक रिंग बनाएंगे और रिंग के साथ हम डबल एन और साथ में Cl, देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। हम यही जो डाइजोनियम सॉल्ट है वो एलिफेटिक अमाइंस के भी बना सकते हैं, दैट इज आर एन प्लस टू सी एल माइनस। जो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस से डाइजोनियम सॉल्ट बनते हैं दे आर वेरी लेस स्टेबल, और हम ले सकते हैं वेरी वेरी लेस स्टेबल। ये इनकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत कम होती है, ठीक है, और इसलिए जब भी ये बनते हैं क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है तो जल्दी से ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हम इसको फर्दर किसी और कंपाउंड बनाने में यूज नहीं कर सकते ड्यू टू द लेस स्टेबिलिटी ऑफ द एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स। जो हमारे एलीन या एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स हैं दे आर स्टेबल। व्हाई दे आर स्टेबल? ड्यू टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट का स्ट्रक्चर बनाए तो फर्स्ट वी आर गिविंग अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, एंड देन जैसे कि मैंने अभी बोला कि इसका स्ट्रक्चर ये है, एंड देन वी आर हैविंग ट्रिपल बॉन्ड एंड देन वी आर हैविंग अ सीएल। ये डाइजोनियम सॉल्ट्स है, दिस एन विल कैरी प्लस चार्ज एंड दिस क्लोरीन एज अ होल इलेक्ट्रोनेगेटिव विल कैरी द नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर यहाँ पे अवेलेबल है वो यहाँ जाने की बजाय रिंग को सेटिस्फाई करेंगे, तो इसके जो यहाँ पे मूव कर जाएगा और हमारे पास एक और स्ट्रक्चर इस तरह से जनरेट हो जाएगा, दैट इज द अमेरिकन रिंग बनाएंगे। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और एन एन एंड सी एल माइनस, तो वहां पे ये चार्ज हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, और बाकी जो है हमारे डबल अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आ गए। अब क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड्स हैं वो डीलोकलाइज होते रहते हैं कंजुगेट सिस्टम में, तो यहाँ मूव आउट कर जाएंगे, तो हमारे पास एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज द, अब ये वाले हमारे पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गए और ये तो यहीं पे है, एंड देन डबल बॉन्ड एन एन एंड सी एल, ठीक है, और अब हम इस टाइम हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे मूव आउट हो गया। अब ये जो पाई बॉन्ड है ये डीलोकलाइज्ड हो जाएंगे कंजुगेट सिस्टम में, एंड वी आर आल्सो अगेन गेटिंग वन मोर स्ट्रक्चर। हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है और ये जो हमारा प्लस जो है वो यहाँ वो जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी मींस यहाँ तक पहुँच गई, एंड वी आर हैविंग दिस टाइप ऑफ व्हाट वी कॉल्ड मूवमेंट ऑफ द कार्बन पेयर, तो यहाँ से शिफ्ट कर गए, देन वी आर हैविंग एन एंड सी एल। ड्यू टू दीज फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डाइजोनियम सॉल्ट के, ये फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिस कारण से हमारा जो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स होते हैं दे आर वेरी स्टेबल, एंड दीज आर द रॉ मटेरियल्स फॉर दी सो मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम इनसे बहुत सारे जो हम डायरेक्ट बेंजीन रिंग से कंपाउंड नहीं बना सकते हैं वो हम डाइजोनियम सॉल्ट से उन कंपाउंड्स को बना सकते हैं। देन जो अगर हम ये हमारे पास इसके प्रिपरेशन देखें ये डाइजोनियम सॉल्ट से, बट प्रिपरेशन से पहले अगर यहाँ पे जो सी एल है इसकी जगह पे हम लोग रिप्लेस करते इसको रिप्लेस कर सकते हैं वी आर से, आप रिप्लेस कर सकते हो एच एस ओ फोर से, किसी भी और न्यूक्लियोफाइल से हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं, या हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं एफ से,
वी आर से एंड अगर हम इसको रिप्लेस करते तो व्हाट वी विल गेट द नेम. अगर हमने इसको यहाँ से रिप्लेस कर दिया तो हमारा जो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है वो कैसा हो जाएगा. डाइजोनियम सॉल्ट जो है दैट इज एन टू, तो सी एल की जगह पे क्या आ जाएगा, बी आर. तो नाम क्या हो जाएगा, इट विल रिटेन अ पॉजिटिव चार्ज, इट विल रिटेन अ नेगेटिव चार्ज. नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम. ये जो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इस कारण इसको डाइजोनियम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम, डाइजोनियम ब्रोमाइड. एक और कंपाउंड बनाते हैं, उस कंपाउंड में इंस्टेड ऑफ सी एल वी आर राइटिंग एन ट्रिपल बॉन्ड एन एंड देन वी आर राइटिंग एच SO4. तो हम इसे क्या नाम देंगे, दैट इज बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट. सो हम बहुत सारे ऐसे कंपाउंड बना सकते हैं जहां पे हमने क्लोराइड को जो है इनसे रिप्लेस कर दिया है. सो लेट्स सी हाउ दिस डाइजोनियम सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर. जल्दी से आप इसे नोट करें तो मैं आपको प्रिपरेशन बताऊं. तो प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन देखें, विच इज दी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमाइंस. एमाइन की वो केमिकल प्रॉपर्टी है और यहाँ पे दैट इज दी प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट. अगर हम लोग एलिफेटिक या एरोमेटिक, ए आर और आर, एरोमेटिक या एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन को ट्रीट करते हैं किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 के साथ. कब ट्रीट करना है, 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 0.5 डिग्री सेल्सियस तक. अगर हम ये कंडीशन रखते हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग दी एरोमेटिक एज वेल एज एलिफेटिक. तो ए आर और आर एंड टू सी एल माइनस हमें ये चीज मिलेगी और हम यहाँ पे साथ में एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेंगे. जो हमारा ये नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस एसिड को प्रिपेयर करने के लिए हमने सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl लेना है और उसे हमने 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है, थोड़ा सा टेम्परेचर रेज कर देना है. एंड व्हाट वी विल गेट, HONO, ये वाला हमारा नाइट्रस एसिड आएगा. ये नाइट्रस एसिड जो है वो प्राइमरी एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइन के साथ रिएक्ट करेगा और हमें क्या मिल जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट. ये जो नाइट्रस एसिड है ये सिर्फ एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन के साथ ही रिएक्ट करता है एंड इट विल गिव यू दी प्राइमरी एंड एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइन्स. एज आई सेड कि दीज आर वेरी 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 लेस स्टेबल, तो ये स्टेबल है नहीं. अगर ये स्टेबल नहीं है तो व्हाट विल हैपन, जब ये बन जाएगा तो ये किससे रिएक्ट करेगा. यहाँ पे अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करें, मान लो ये बन गया है एंड वी आर हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, हम वाटर को इस तरह लिख सकते हैं, वाटर कैन बी रिटन लाइक दैट. तो ये किसमें डिफ्यूज हो जाएगा, आर ओ एच. यहाँ पे नाइट्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी और प्लस यहाँ पे हमने आर के साथ ओ एच एड कर दिया, अल्कोहल बन गया एंड वी आर हैविंग अ नाइट्रोजन एंड प्लस सी एल आयन. तो इस तरह से जो हमारे प्राइमरी जो हमारे एलिफेटिक अमाइंस है उनका जो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है इट इज वेरी लेस स्टेबल एंड वी कैन गेट अल्कोहल ऑन दी हाइड्रोलिसिस एंड प्लस नाइट्रोजन गैस. अगर हम लोग एरोमेटिक लेते हैं तो हमारे पास जो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स आते हैं ड्यू टू दीज फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे आर स्टेबल एंड वी कैन गेट अ सो मेनी कंपाउंड्स फ्रॉम दीज डाइजोनियम सॉल्ट्स. वो कंपाउंड जो हम डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग बेंजीन रिंग से नहीं बना सकते हैं वो हम डाइजोनियम सॉल्ट से बना सकते हैं. ओके आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें, देन हम लोग फर्दर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लें. ओके नोट कर लो आप. नाउ हम अगर डाइजोनियम सॉल्ट्स की केमिकल प्रॉपर्टी देखें तो
डाइजोनियम सॉल्ट का इंट्रो ऐसे कंपाउंड जिसके साथ दो एन लगी होती है, साथ में हमारे पास सी एल लगा है, और डाइजोनियम सॉल्ट्स की जो हम क्लोराइड की जगह पे और किसी भी न्यूक्लियोफाइल आयन को रिप्लेस कर सकते हैं, तब नाम क्या हो जाएगा, देन हाउ टू प्रिपेयर इट, देन देयर आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो दैट। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है डाइजोनियम सॉल्ट की, कि दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। डाइजोनियम सॉल्ट क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं एंड दे आर कलरलेस, मोस्टली दे आर कलरलेस, और ये इट कैन अटेन ब्राउन कलर, कलरलेस है बट अटेन ब्राउन कलर ऑन एक्सपोजर टू एयर। अगर ये एयर में रहे तो ये क्या आ जाएगा, इनपे ब्राउन कलर आएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं एंड दे आर वेरी सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या है, सॉल्युबल इन वाटर। सो दीज आर जस्ट अ फिजिकल प्रॉपर्टी। जो डाइजोनियम सॉल्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टी हम उन्हें टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, केमिकल प्रॉपर्टी, अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी जो डाइजोनियम सॉल्ट की है, केमिकल प्रॉपर्टीज उन्हें हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, एक अगर जो एजो ग्रुप लगा है ऊपर, एजो ग्रुप मतलब N2Cl, आप एक तो वो प्रॉपर्टी जब ये रिटेन साथ में ही रहे, एक प्रॉपर्टी एजो ग्रुप रिटेन इन रिंग, अगर ये एक प्रॉपर्टी तब रहेंगी अगर वो ग्रुप, ये वाला ग्रुप जो है वो रिंग के साथ रहे। दूसरा दैट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ एजो ग्रुप बाय सम अदर न्यूक्लियोफाइल, या फिर किसी और न्यूक्लियोफाइल से वो रिप्लेस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका सबसे पहले हमने देखा है कि वो लिखे हैं जिसमें एजो ग्रुप रह जाता है, तो डायजोनियम सॉल्ट हम डायजोनियम को इस थोड़ा इस तरह रिंग बना लेंगे, रिंग को आपने थोड़ा सा टिल्ट कर देना है एंड वी आर हैविंग एन एन सी एल। अगर हम लोग डायजोनियम सॉल्ट को रिएक्ट करवा देते हैं किसके साथ, अल्कोहल के फिनॉल के साथ, अगर हम डायजोनियम सॉल्ट को फिनॉल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो व्हाट वी विल गेट, यहां पे हमारा ये डाइजोनियम सॉल्ट है, इसे रिटेन करना है, इस ग्रुप को हमने यहीं पे रखना है साथ में, एंड जब हम जो हमारा एजो ग्रुप है या इसको अगर हम इसी चेन के साथ रखेंगे, इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, कपलिंग रिएक्शंस। इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, कपलिंग रिएक्शंस। तो ये वो प्रॉपर्टी है जब एजो ग्रुप साथ में ही रहेगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, हम यहां से इस एक्सियल यहां से मूव आउट हो जाएगा, ठीक है। जब एक्सियल यहां से मूव आउट हो रहा है एंड व्हाट प्रोडक्ट वी आर गेटिंग, हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है और हमारा एजो ग्रुप डाइजोनियम सॉल्ट के साथ लगा हुआ है, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, एंड देन वी आर हैविंग एन डबल बॉन्ड एन, और यहाँ पे हमारे पास आ गया है जो हमने फिनॉल अटैच किया था, और यहाँ पे उसके साथ OH ऐसा है, ये हमारे पास कैसा आ गया, ऑरेंज डाई। तो यहाँ ऑरेंज डाई है, यहाँ जो हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट है उससे हम किस तरह से फिनॉल के साथ रिएक्ट करके एक और कंपाउंड बना सकते हैं, डाई बना सकते हैं, डाइज बना सकते हैं, जिन्हें हम लोग कलरिंग करने के यूज में लेके आते हैं, ये डाई हमारे पास बन गई ऑरेंज कलर की। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये तो एजो ग्रुप है यहाँ पे, तो बेंज पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा पोजिशन पे क्या लगा हुआ है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो, ये एजो है बेंजीन, और पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन ऑरेंज डाई हमें मिल गई। ये हमारा जो रिएक्शन था किसके साथ हुआ था, दैट इज दी
डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट विद, और आप लिख सकते हैं डाइजोनियम क्लोराइड विद, किसकी तरह रिएक्ट कर रहे हैं, फिनॉल के साथ। तो हमें क्या मिलता है अगर हम फिनॉल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो वी आर गेटिंग ऑरेंज डाई पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्लस HCl, साथ में हमें क्या मिल रहा है, HCl। ओके, देन अगर हम लोग यहाँ पे, ये वो रिएक्शन है, इन रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन कहते हैं, जब जब हमारा एजो ग्रुप जो है एज इट इज इसमें रहता है। अगर हम लोग बेंजी डाइजोनियम सॉल्ट को या डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, एनिलीन के साथ, अगर हम एनिलीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पे हमने इस टाइम फिर से हमने इसको मूव आउट कर देना है, और वी आर गेटिंग वन न्यू प्रोडक्ट, दैट इज हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, दैट इज एन डबल बॉन्ड एन, और अगर आप इसे देखें तो पैरा पोजीशन पे क्या लग जाएगा, एन एच टू, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज पैरा अमीनो, पैरा पे अमीनो लगा हुआ है डाइजो, पैरा अमीनो एजो, डाइजोनियम का लगा है ना, पैरा अमीनो एजो बेंजीन, यहाँ पे हमारे पास बेंजीन है, और ये किस तरह की डाई बन गई, येलो, सो येलो डाई। ये जो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है, इससे हम बहुत सारे और कंपाउंड बना सकते हैं। अगर हम इसे फिनॉल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन मिलता है, जो कि ऑरेंज इन कलर है, हम इसे डाई डाई करने के काम में लेके आ सकते हैं, टू कलर दी थिंग्स। और अगर हम एनिलीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वी आर गेटिंग येलो डाई, दैट इज पैरा अमीनो एजोबेंजीन। तो ये हमने किसके साथ रिएक्ट किया था, फिनॉल के साथ, और ये हमने किसके साथ रिएक्ट किया है, एनिलीन के साथ। सो डाइजोनियम सॉल्ट से हम इस तरह से कंपाउंड बना सकते हैं, जब ये जो एजो ग्रुप है वो साथ में सिस्टम के रहे और हमारे पास इस तरह से प्रोडक्ट आते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड है, जो चीज हम बेंजीन से डायरेक्ट नहीं बना सकते वो हम डाइजोनियम सॉल्ट से इस तरह बना सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लो, तो नेक्स्ट वी विल सी हाउ इफ वी कैन डू द रिप्लेसमेंट ऑफ एजो ग्रुप, वो रिएक्शन जब हम इस ग्रुप को रिप्लेस करते हैं किसी और न्यूक्लियोफाइल, मोनोवेलेंट न्यूक्लियोफाइल से, तो हमारे पास वो केमिकल रिएक्शंस कैसे होंगे, नोट डाउन कर ले जल्दी से इसको। नोट डाउन कर लिया, ओके। अब हम वो रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जब हमने रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ एजो ग्रुप बाय अदर मोनोवेलेंट, हमने मोनोवेलेंट न्यूक्लियोफाइल से आपने क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, सब्स्टिट्यूशन हो जाए, किसी को हटा के खुद वहां पे लग जाना है। तो इस कैटेगरी में हम लोग दो तरह के रिएक्शन देखेंगे, इसमें पहले दो तरह के रिएक्शन आ जाएंगे, एक आ जाएगा सेंडमियर रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन आ जाएगा दैट इज गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। एक हमारा आ गया सेंडमियर रिएक्शन, दूसरा आ गया हमारा गेटरमैन रिएक्शन। सेंडमियर रिएक्शन क्या है, अगर हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है या हमें ब्रोमोबेंजीन बनाना है या हमें साइनोबेंजीन बनाना है, साइनाइड्स बनानी है, इन दैट केस व्हाट वी विल डू, हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, कॉपर वन आयन के साथ, कॉपर क्लोराइड या कॉपर ब्रोमाइड या कॉपर साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सेम एसिड, तो हमें क्लोरो ब्रोमो और साइनो ग्रुप उसके साथ अटैच हो जाएगा, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सेंडमियर रिएक्शन, ठीक है। उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, सेंडमियर रिएक्शन। तो इसे हम देख लेते कि हमने अगर
या हमने ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, या हमने साइनो साइनाइड्स बनाने हैं, साइनोबेंजीन बनाना है, नाइट्रस बनाने हैं, एरोमेटिक नाइट्रस बनाने हैं, तो हम कॉपर वन आयन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। मीन्स हम क्या करेंगे, दैट इज या तो हम CuCl2 फिर या फिर C2Br2 और उसी एसिड के साथ, सेम मिनरल एसिड के साथ हम ट्रीट करेंगे, या CuCl+KCl के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, ये क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन। अगर हम लोग R N2+Cl- मैं इनमें से किसी भी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाती हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहां पे मिल जाएगा हमें क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, यहां पे हमें क्या मिल जाएगा C6H5Br, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा C6H5Cl। सो दीज प्रोडक्ट वी विल गेट इफ वी विल गेट डाइजोनियम सॉल्ट विद कॉपर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉपर ब्रोमाइड के साथ हमने हाइड्रो ब्रोमाइड एसिड ली है तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगी। देख हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सेंटेमियर रिएक्शन। तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर हमने क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या साइनोबेंजीन बनाना है और हम जो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है उसे कॉपर आयन के साथ रिएक्ट करके, सेम मिनरल एसिड सेलेक्ट करके, सेम हम क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या साइनोबेंजीन बना सकते हैं। तो यहां पे आ गया हमारे पास Ar, क्योंकि हम एरोमेटिक ले रहे हैं N2Cl-। इसको अगर मैं रिएक्ट करवाती हूं किसके साथ, CuCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सेम एसिड, तो मुझे क्या मिलेगा ArCl+HCl और प्लस नाइट्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी। तो यहां मुझे क्या मिल गया, क्लोरोबेंजीन। अगर मैं डाइजोनियम सॉल्ट को लेती हूँ Ar N2Cl- और साथ में हम लोग ले लेते हैं CuBr और HBr, सेम मिनरल एसिड लेनी है तो हमें क्या मिलेगा ArBr, मीन्स ब्रोमोबेंजीन प्लस HCl। HCl तो HBr तो है नहीं, यहाँ पे HBr तो नहीं, यहाँ लगा दिया एंड प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर चले जाए। और अब अगर हम लोग लेते हैं Ar N2Cl- और हम लेते हैं कॉपर साइनाइड प्लस KCl की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या आएगा ArCl+HCl+ नाइट्रोजन गैस। इस रिएक्शन को जब हम Cl को रिप्लेस करते हैं Cl से Br, मीन्स यहाँ पे आपने एरोमेटिक रिंग के साथ क्लोरो ब्रोमो साइनो लगाना है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड एंड विद सेम मिनरल एसिड, तो वी विल गेट नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज साइड प्रोडक्ट एंड क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड साइनोबेंजीन और या नाइट्रेट्स, हमें एरोमेटिक नाइट्रेट्स मिल रहे हैं। इस रिएक्शन को हम सेंडेमियर रिएक्शन कहते हैं। नाउ गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन में हमने कॉपर पाउडर लेना है, कॉपर पाउडर लेना है और हमने किसके साथ रिप्लेस करना है और कौन सी एसिड लेनी है, सेम HCl, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या ले रहे हैं हम Ar N2Cl- और हम इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो व्हाट वी आर गेटिंग ArCl क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस HCl। अगर हम लोग यहां पे लेते हैं, ये हमारा एक रिएक्शन है और ये हमारा दूसरा N2Cl- और यहाँ पे भी हम कंडीशन क्या लेते हैं Cu कॉपर पाउडर में लिया है, पाउडर फॉर्म में लिया है, साथ में HBr लिया है, तो वी आर गेटिंग ब्रोमोबेंजीन प्लस N2+HCl। तो दीज मेथड्स बाय विच वी कैन गेट अ क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड साइनोबेंजीन। सेंटेमियर की जो यील्ड है, जो क्वालिटेटिव
या क्वांटिटिवली जेंडेमियर रिएक्शन इज मोर गुड एज कम्पेयर टू बेटरमैन रिएक्शन, बट यहाँ पे सिर्फ हम क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन को ही सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। अगर हमें फ्लोरोबेंजीन बनाना है या हमें नाइट्रो अटैच करना है या हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करनी है तो हमें अपने रिएजेंट्स चेंज करने पड़ेंगे डाइजोनियम सॉल्ट्स के साथ। जल्दी से आप इसे नोट करें, फिर मैं आपको बताऊं कि हाउ वी विल क्रिएट आइडोबेंजीन, हाउ वी विल मेक ब्रोमोबेंजीन, हाउ वी कैन अटैच नाइट्रो ग्रुप ऑन इट, हाउ वी कैन अटैच OH group on it, और हाउ वी कैन गेट the benzene, only benzene ring from the diazonium salt। जल्दी से इसको नोट कर लें। ओके, नोट कर लिया। अब हमने क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, अगर मोनोवेलेंट न्यूक्लियोफाइल से सब्सटीट्यूट करना है, जब हमने एजो ग्रुप को रिप्लेस कर देना है, इस केस में अगर हमने Ar(N2Cl-) मतलब हमने जो डाइजोनियम सॉल्ट लिया है, अगर हम इसके साथ इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, और उसके बाद मैं इसे 338 डिग्री केल्विन तक हीट कर देती हूं, देन व्हाट आई विल गेट, जस्ट रिंग, और साथ में क्या मिल जाएगा, OH। इस तरह से मैं इसके ऊपर OH ग्रुप लगा सकती हूं और साथ में क्या मिल जाएगा, N2+HCl। तो अगर हमने डाइजोनियम सॉल्ट से फिनॉल बनाना है तो हम लोग उसे पानी में डिजोल्व करेंगे और हीट करेंगे, और वी कैन सब्स्टिट्यूट OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन दी रिंग, वी कैन गेट अ फिनॉल, हमें क्या मिल जाएगा, फिनॉल, और साथ में क्या निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस। अगर हम लोग अब इस रिएक्शन को हम लोग 1, 2, 3 करके लिख लेते कि व्हाट वी विल गेट, अगर अब हमने रिंग के साथ क्या लगाना है, नाइट्रो ग्रुप लगाना, तो हम डाइजोनियम सॉल्ट लेंगे और हमने डाइजोनियम सॉल्ट लिखा, अब साथ में हम लोग क्या करेंगे, इसे नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करवा देते हैं, और देन व्हाट वी विल गेट, सबसे पहले हम यहां पे इसे रिएक्ट करवाते हैं H2PO4 के साथ। अगर हम इसे रिएक्ट करवाएं H2PO4 के साथ, मीन फॉस्फोनिक एसिड के साथ अगर ट्रीट करवाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज Ar+H3PO4+N2+ क्या क्या रह गया, और HCl। ये जो रिएक्शन है इसमें हमने इसे किसके साथ रिएक्ट करवाया है, फॉस्फेनिक एसिड के साथ। इस केस में मैंने मुझे क्या मिला है, जस्ट रिंग, हमें क्या मिलेगा, बेंजीन और एरोमेटिक रिंग। अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट को फॉस्फेनिक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमें रिंग मिलेगी, साथ में फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा और HCl मिलेगा। इन दिस केस वी विल जस्ट गेट द रिंग, हमें सिर्फ रिंग मिलेगी। थर्ड हमारा जो प्रॉपर्टी आ जाती है, अगर हमने फ्लोरोबेंजीन बनाना है, अगर हमने फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो हम डाइजोनियम रिंग को, यहां पे मैंने फ्लोरोबेंजीन वाला रिएक्शन लिखना था बट वो मैंने रिंग बना ली है, और थोड़ा सा नीचे लिख आना पड़ेगा कि अदरवाइज, अगर हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट को किसके साथ ट्रीट करते हैं, दैट इज HBrF हाइड्रोबोरिक एसिड के साथ, फ्लोरोबोरिक एसिड से ट्रीट करते हैं और इसे हीट करते हैं, तो हमें एक इंटरमीडिएट मिलेगा,
हम दैट इज दी आप इसको इसमें से निकाल सकते हैं, ये यहाँ से निकल जाएगा, इसे हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये दोनों यहाँ से मूव आउट हो जाएंगे एंड वी विल गेट द इंटरमीडिएट ए आर एन टू एंड देन बी आर एफ फोर। अब अगर मैं सिंपल से हीट करती हूँ, सिंपल हीट करना है तो व्हाट वी आर गेटिंग ए आर एफ। अब हमें मिला फ्लोरो बेंजीन प्लस नाइट्रोजन प्लस बी आर एफ थ्री। इस केस में हमें फ्लोरो बेंजीन मिल गया, नाइट्रोजन मिल गया और फ्लोरोबोरिक एसिड मिल गया। अगर इस सॉल्ट को मैं नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड को हम HNO2 भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉपर की प्रेजेंस में हीट करती, कॉपर नाइट्रिक सॉरी नाइट्रस एसिड के साथ हीट करती तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलता, नाइट्रोबेंजीन। दिस प्रोडक्ट यू विल गेट इफ यहां सिंपल हीट है तो फ्लोरोबेंजीन, अगर हम इसे कॉपर के साथ हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस एसिड तो हमें क्या मिलेगा, नाइट्रो, यहां से हम नाइट्रो ग्रुप ले लेंगे प्लस साथ में क्या आ जाएगा, सेम बी आर एफ फोर प्लस एन टू, ये हमारे जो है साइड प्रोडक्ट साथ में निकल जाएंगे। इस तरह से हम रिंग के साथ नाइट्रो ग्रुप को अटैच कर सकते। और अगर हमने आइडोबेंजीन बनाना हो तो हम यहाँ पे जो डाइजोनियम सॉल्ट है उसे पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करेंगे एंड व्हाट वी विल गेट, क्या मिल जाएगा, दैट इज दी आई प्लस KCl प्लस N2। सो दीज आर द डिफरेंट वेज बाय विच वी कैन सब्स्टिट्यूट आइडो इन अ बेंजीन, नाइट्रो इन अ बेंजीन, सिंपल एरोमेटिक रिंग एंड हाइड्रोक्सिलाइन। तो ये वो रिएक्शंस के वो केमिकल प्रॉपर्टी थी जब हम लोग जो एज अ ग्रुप है उसे रिप्लेस कर देते हैं किसी और मोनोवेलेंट न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप के साथ। सो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मैसेज सेंड कर सकते हैं। टिल देन यू टेक केयर एंड बाय बाय।